हेलो एवरीवन, पिछले एपिसोड में मैंने आपको सैर करवाई थी काठमांडू सिटी के टॉप 9 प्लेसेस की। इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ काठमांडू सिटी के आसपास की टॉप 10 प्लेसेस जहाँ आप एक या दो या तीन घंटे का ट्रैवल टाइम करके पहुँच सकते हैं। इसमें शामिल है भक्तापुर दरबार, माउंटेन ट्रैकिंग लवर्स के लिए है नगर कोट, चिसापानी, धूलीखेल, ककनी, लाकुरी, भांगंग, कुलेखनी, नमोबुद्धा और पनौटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और यह है मेरे लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट नियर काठमांडू। नंबर 10 पर है भक्तापुर दरबार। थाम्बिल से भक्तापुर बस स्टॉप से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी। एक घंटे में आप 30 नेपाली रुपए खर्च करके पहुंच जाएंगे भक्तापुर। टिकट प्राइस सार्क कंट्री टूरिस्ट के लिए है 500 नेपाली रुपए और यूरोपियन टूरिस्ट के लिए है $250। करीब करीब 5 से 10 एकड़ में फैला हुआ है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। भक्तापुर में दत्तात्रेय स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में खड़े होकर आप दत्तात्रेय मंदिर को देखेंगे तो एक ही पेड़ के एक ही तने का प्रयोग करके बनाया गया माना जाता है। नेटापोला टेम्पल एक पगोडा शैली का 5 स्टोरी छत वाला मंदिर है। इस खूबसूरती से गढ़ी गई इमारत को सबसे ऊंचे पगोड़ा के रूप में देखा जाता है। यह हाई लेवल की कलात्मकता और सुंदरता का उदाहरण है जो इस प्रकार की इमारतों में की गई है। 5 स्टोरी छत वाला यह 5 मंजिला मंदिर जो 30 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 55 विंडो पैलेस। 55 विंडोज का महल दरबार स्क्वायर की भव्य संरचना में से एक है। क्योंकि इसमें 55 खिड़कियां बनाई गई हैं इसलिए इसे पैलेस ऑफ 55 विंडोज कहा जाता है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में ही आपको देखने को मिलेगी सिद्धा पोखरी। सिद्धा पोखरी भक्तापुर में पहले टाउन गेट के करीब स्थित है। यह सुंदर मानव निर्मित तालाब है। यह 171 मीटर लंबी और 3 मीटर गहरी झील कई लोगों के लिए पसंदीदा हैंगआउट प्लेस है। भक्तापुर स्क्वायर घूमने के बाद आप 5.5 किलोमीटर दूर ऑटो करके चंगू नारायण मंदिर जा सकते हैं। चंगू नारायण मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर सुंदर पत्थर और लकड़ी की नक्काशी से बनाया है। यह सामान्य नेपाली आर्किटेक्चर में बनाया गया है जिसे न तो शिखर शैली और न ही पगोडा शैली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहाड़ी पर स्थित चंगू नारायण मंदिर पहुंचने पर आप खुद को चंपक के पेड़ों से घिरा हुआ पाएंगे। आप देखेंगे कि मंदिर के आंगन में विभिन्न देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु की मूर्तियों भी रखी हैं। आप देखेंगे कि मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों पर लाइफ साइज्ड एनिमल्स की एक एक जोड़ी है जो उनकी रखवाली करती है। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट नियर काठमांडू में नंबर 8 पर है धूलीखेल। अगर आप ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग के शौकीन हैं तो धूलीखेल और आने वाले कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए हैं। काठमांडू सिटी से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर और भक्तापुर से सिर्फ 16.5 किलोमीटर यानी कि 30 से 40 मिनट की दूरी पर है धूलीखेल। यहाँ का टेम्परेचर 2 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जाने का सबसे बढ़िया समय है मार्च से मई और फरवरी से सितंबर। जाने के लिए लोकल टैक्सी, पब्लिक बस और प्राइवेट कार्स अवेलेबल हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाइए और कम से कम एक रात रुकने का प्लान करके जाइए। धूलीखेत 1550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नेपाल के कुछ सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। हिमालय के कभी ना भूले जा सकने वाले दृश्यों के लिए आपको धूलीखेल जरूर जाना चाहिए। यहाँ से आपको लांगतांग, गौरीशंकर और लुम्बूर पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत नज़ारों को देखने का मौका मिलेगा। भीड़ कम है और कभी ना भूलने वाली यादों के बीच यहाँ के खूबसूरत मंदिरों के लिए आपको धूलीखेल जरूर आना चाहिए।
नंबर 7 पर है पनौटी। पनौटी एक हिस्टोरिकल शहर है, काठमांडू सिटी से 32 किलोमीटर, भक्तापुर से सिर्फ 19 किलोमीटर और धोलीखेल से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर पनौटी शहर स्थित है। अपने वक्त में पनौटी एक कॉमर्शियल सिटी हुआ करता था, लेकिन आजकल यह कंपेरेटिवली ज़्यादा शांत है। ब्रह्मायणी, दोषी और पुण्यवती सहित 3 नदियां यहां बहती हैं। यह शहर पुण्यवती की पवित्र नदी से निकला हुआ माना जाता है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय मेटल का काम और खेती करना है। यहां हम कृषि पर आधारित संस्कृति और जीवन शैली को देख सकते हैं। नंबर 6 पर है लकोरी भांगांग। लकोरी भांगांग एक हिल स्टेशन है, काठमांडू सिटी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से लकोरी भांगांग परिवार के साथ पिकनिक का मज़ा लेने वालों के लिए फेवरेट स्पॉट बन गया है। यहां आपको पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग और साइट सीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आप यहां 1 दिन या 2 दिन की ट्रिप का प्लान करके जा सकते हैं। सर्दियों में यहां बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जाने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से मई के बीच में। यहां जाने के लिए बस सर्विसेज नहीं हैं, तो आप प्राइवेट टैक्सी करके या फिर शेड वैन लेकर जा सकते हैं। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट नियर काठमांडू के लिस्ट में नंबर 5 पर है नमोबुधा। काठमांडू सिटी से करीब करीब 46 किलोमीटर दूर और भक्तापुर से 28 किलोमीटर, पनौटी चौक बस स्टॉप से 10 किलोमीटर और धोलीखेल से 14 किलोमीटर। इस दिशा में ये आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप कहीं से भी यहां पहुंच सकते हैं। नमोबुधा एक मोनेस्ट्री या मठ है जो 250 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं का घर है। इस मोनेस्ट्री का नाथरंगू तांशी यंगस्टे मोनेस्ट्री से संबंध बताया जाता है, जो आम जनता के लिए सिर्फ शनिवार के दिन खुली होती है, बाकी दिन पब्लिक के लिए एंट्री बंद है। सिर्फ स्पेशल परमिशन लेकर ही एंट्री पॉसिबल है। इस जगह का आर्किटेक्चर और एम्बियंस आपकी अंतरात्मा को शांत करने में सक्षम है। फैमिली के लिए अच्छी जगह है, एक दिन की ट्रिप प्लान करके आइए। मौसम ज़्यादातर सुहाना रहता है, टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जाने के लिए बस और प्राइवेट कार की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 5 पर है नगरकोट। काठमांडू सिटी से करीब करीब 30 किलोमीटर और भक्तापुर से 12 किलोमीटर दूर है नगरकोट। यह 2185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां आपको एक रात रुकने का प्लान करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह फेमस है सनसेट और सनराइज देखने के लिए। माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू, स्वच्छ हवा, सुहाना मौसम आपकी थकान को दूर करके आपको फिर से एनर्जी से भर देंगे। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और काठमांडू से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो नगरकोट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। टेम्परेचर 3 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और जाने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। आपको हिमालय का क्लियर व्यू दिखेगा। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर है चिसापानी। एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट के लिए ये परफेक्ट शॉर्ट ट्रिप है, जो आपको ट्रैकिंग करते हुए हिमालय के जीव जंतुओं और वनस्पति को करीब जंगल में लेकर जाएगा, जो काठमांडू सिटी में पीने के पानी की सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत है। करीब करीब 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद आप चिसापानी पहुँच जाएंगे, जो कि 2215 मीटर की ऊंचाई पर है। चिसापानी की काठमांडू से कुल दूरी है 32 किलोमीटर, जहां आप लोकल बस से या प्राइवेट टैक्सी से पहुंच सकते हैं। काठमांडू बस स्टेशन के बाहर से आपको यहां जाने के लिए सीधी बस मिल जाएगी। चुके हैं टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट नियर काठमांडू के लिस्ट में नंबर दो पर है काकनी।
ककनी काठमांडू से करीब करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो घर है तमांग समूह के लोगों का। समुद्र तल से ऊंचाई है 2073 मीटर। अपनों के साथ वक्त बिताने और विजिट करने के लिए ककनी काठमांडू के पास के कुछ सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। धौलगिरी, गणेश हिमाल और अन्नपूर्णा माउंटेन्स के शानदार नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी हैं और आपका रोम रोम आपको यहाँ आने के लिए शुक्रगुजार होगा। थाई एयरलाइंस क्रैश जो 1992 में हुई थी, जिसमें 113 लोग मारे गए थे, उनकी याद में यहाँ थाई मेमोरियल पार्क बनाया गया है। सर्दियों में बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियाँ आपके मन को गहरे तक छू जाएंगी। स्नोफॉल के बाद आपको यहीं पर स्कीइंग करने का मौका भी मिलेगा। के नंबर एक पर है कुलेखनी। काठमांडू से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हिल स्टेशन एडवेंचर और नेचुरल खूबसूरती पसंद करने वालों के लिए जन्नत है। कुलेखनी में एक फेमस हाइड्रो पावर डैम है, जिससे बनी हुई लेक में बोटिंग करना इस जगह पर की जाने वाली एक्टिविटीज़ में से एक है। बहती हुई नदियाँ, लुभावने दृश्य और अचंभित कर देने वाले झरने इसे नेपाल की धरती पर स्वर्ग जैसा बना देती हैं और आप यहाँ बरबसी बंधे से जाते हैं। हजारों की संख्या में छोटे छोटे स्तूपाज पूरे रास्ते आपको दिखेंगे। जब आप वर्ल्ड फेमस मॉनेस्ट्री और सेक्रेट केव यानी सेक्रेट गुफा की तरफ जा रहे होंगे, यहाँ आप बोटिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, नेचर वॉक, साइट सीइंग का मजा ले सकते हैं। कम से कम 2 दिन का प्लान करके आना बेहतर होगा। तापमान 3 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और आने के लिए सबसे उचित समय है मई और अगस्त के बीच में। यहाँ आप पब्लिक बस और प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट नियर काठमांडू की ये लिस्ट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ कैम।